गुरुदेव ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां डर ना हो और हर कोई माथा ऊंचा करके चल सके। गुरुदेव के उस सपने का क्या हुआ जहां गुंडे और घुसपैठिए दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाते हो, जहां घुसपैठियों को आदर सत्कार देकर आराम से बसाया जाता हो, उन्हें बम बनाने की खुली छूट दी जाती हो, जहां निर्दोष लोगों की आए दिन हत्या की जाती हो, जहां राजनीतिक विचारों पर गोली और तलवार भारी पड़ जाती हो, जहां रेत कोयला गिट्टी माफिया ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा हो, जहां सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा रामनवमी जैसे त्योहार भी डर डर कर मनाए जाते हो, जहां घर बनाना हो घर बेचना हो दफ्तर खरीदना हो किराए पर चढ़ाना हो हर काम के लिए जहां सिंडिकेट के सामने हाथ जोड़ना पड़ता हो, ऐसी बंगाल की कल्पना गुरुदेव ने नहीं की थी।